धर्मेश, आज BHEL पे एक HSBC की एक रिपोर्ट भी आई है। उन्होंने ना केवल इस पे कॉन्फिडेंस दिखाया बल्कि टारगेट को ऐसा रिवाइज किया कि 60-70 रुपये ऊपर आ गया अभी शेयर। उन्होंने जो टारगेट बताया वो करीब 170 के पार बता दिया है। एक बार BHEL को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि एक बार एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में अगर जगह नहीं है और वो ऐड करना चाहता है इस शेयर को, तो एक बार ऐड कर ले क्या BHEL इन लेवल्स पर? नहीं, हम लोगों का मतलब नकारात्मक व्यू है BHEL पर, इनफैक्ट सेलरेटिंग है। और आई थिंक ये जो कमिंग क्वार्टर आएगा वहाँ पर फिर वापस ये कंपनी लॉस रिपोर्ट करेगी, और पिछले क्वार्टर में भी जो इनका इनकम था हमारे अनुमान के हिसाब से कम आया था। सो कैपिटल गुड्स पर्टिकुलरली कैटरिंग टू पावर सेक्टर जो स्पेस है, अभी नहीं लगता कि वहाँ पर कोई लंबी तेजी का समय आया है, और इनफैक्ट इसलिए BHEL पर सेलरेटिंग मेंटेन है, सर्वाइव कर ले अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात रहेगी जी। फिर देख लेते हैं इस बीच वोल्टास, आप देखिए रिजल्ट्स के बाद करीब 3% नीचे वोल्टास का स्टॉक दिख रहा है। इंजीनियर्स इंडिया को देख लेते हैं, बोनस का जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ये काउंटर करीब 3% ऊपर दिख रहा है। पर प्रॉब्लम यही है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शायद आपको देखने को मिल जाए, लेकिन एक जो डायरेक्शनल पुश, जो यू नो जो साइडलाइन पे बैठा होता है ना ट्रेडर, उसे एक डायरेक्शनल पुश चाहिए होता है मार्केट में बहुत बार, विच कैन फोर्स हिज एंट्री, चाहे वो किसी भी तरफ हो, शॉर्ट साइड पे या लॉन्ग साइड पे। वो फैक्टर मार्केट में इस समय है नहीं, जो कि मार्केट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस समय है। बिल्कुल, अलग अलग स्टॉक्स पर रिएक्शन तो देखने को मिल रहा है, जैसे कि अब BHEL भले ही रिपोर्ट आई हो इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि ये शेयर भी अब ऑलमोस्ट 3% ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। आप मारुति का देखें, वापस ये 5000 के लेवल को अब टच करने लगा है, क्योंकि दो दिन पहले ये 5000 के नीचे काफ़ी फिसल गया था। कल भी इसने अपने आप को एक अच्छा पुल बैक दिखाया था। इस बीच जय ठक्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास सेठी भी हैं। जय, एक बार आप कल जो ऑटो एंसिलरीज के अंदर पॉकेट टू पॉकेट बाइंग आ रही थी उसमें मदरसन सुमी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा चला, क्लोजिंग पे भी अच्छी क्लोजिंग देखे गया था, क्या एक बार इसी मोमेंटम को आज भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अभी ओपनिंग टिक जो मिले हैं उसमें ये हरे निशान में खुल रहा है? बिल्कुल नो डिम्पी, इसमें ये हरे निशान में तो जरूर खुल रहा है, बट ओवरऑल इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक हो चुका है। जो हिसाब से ये स्टॉक में एक यू नो एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुई, उसके बाद साथ ही साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुई, और उसमें से जो ब्रेकडाउन देखने मिला है, आई थिंक दैट क्लियरली सेज के गोइंग फॉरवर्ड मीडियम टर्म में जो मदरसन सुबह की चार्ट काफ़ी वीक हो चुके हैं। और मैं ये कहूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें इसमें 270 के नीचे क्लोज देखने मिल सकता है तो एक डायरेक्शनल मूव नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। बिलो 270 तो ये स्टॉक 230 तक भी जा सकता है इमीडिएट बेसिस पर। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि कोई भी राइस मदरसन सुमी भी अगर देखने मिले तो कोई ट्रेडर्स अगर हायर लेवल्स पे थोड़े बहुत भी अटक गए लॉन्ग साइड पर, तो आई थिंक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड शुड बी यूटिलाइज एग्जिट करने के लिए। और अग्रेसिव ट्रेडर्स को, मैं पोजिशनल अग्रेसिव ट्रेडर्स को कहूँगा कि शॉर्ट करें ऑन द अपसाइड। इमीडिएट बेसिस पर रेजिस्टेंस है ये स्टॉक का 327 का, वो जब तक नहीं निकलेगा 230 आने के चांसेस काफी ज्यादा है। पेशेंस टेस्ट करने वाला मार्केट होगा आज, स्पेशली शुरुआत जिस तरह की होगी देखना होगा कि ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि तीनों ही की इंडाइसेस जिससे मार्केट क्यू लेता है बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी जैसे मैंने कहा करीब 6 पॉइंट नीचे इंडिकेटिव टिक्स में, निफ्टी बैंक 7 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में, और निफ्टी मिड कैप करीब 25 पॉइंट ऊपर 14,320 पर, यानी 1/4% से भी कम का मूव यहाँ पर। अब ऐसे में बाजार जब खुलेगा तो देखना होगा कि क्या खुलने के बाद किसी एक तरफ कोई स्विंग देने की कोशिश कर भी पाता है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो एशियन इंडाइसेज हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के कोई मेजर क्यूज़ हैं नहीं। खुला मार्केट 5 पॉइंट नीचे, निफ्टी अब 8100 को टेस्ट कर रहा है, करीब 5 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन निफ्टी के गेनर्स को एक बार देख लेते हैं कि इस बाजार में इस समय आउट परफॉर्मेंस कहाँ पर है। तो BHEL है करीब 1.5% ऊपर, टाटा पावर करीब 1.25% ऊपर, टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, भारतीय इन्फ्राटेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर गेन है। आयशर मोटर्स है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है, टाटा मोटर्स का DVR इस पर मजबूती देखने को मिल रही है, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छे गेंस इस समय देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं निफ्टी के लूजर्स को। निफ्टी के लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज है जो कि करीब 1.5% नीचे है, अंबुजा सीमेंट्स, सन फार्मा, आइडिया सेलुलर, पावर ग्रिड और विप्रो, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही कोल इंडिया, इस काउंटर पर करीब 0.5% की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन निफ्टी बैंक, एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं, ये नेगेटिव है, 3 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, और इस गिरावट में निफ्टी बैंक में मजबूती अगर कहीं है किसी स्टॉक पर तो वो है फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। नुकसान वाले स्टॉक्स में निफ्टी बैंक में जहां पर गिरावट है, इसमें HDFC बैंक है, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक, तीन ही काउंटर्स ऐसे हैं निफ्टी बैंक में जहां पर गिरावट है। लेट्स टेक अ लुक एट मिड कैप। मिड कैप में करीब IT एक बार देख लेते हैं। कल नैस्कॉम की क्लोजिंग में खबर आई थी कि इन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है उसे घटाया है। जो निफ्टी का IT इंडेक्स है उसमें KPIT टेक, माइंडट्री टेक, महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। इन्फोसिस 1/4% ऊपर है, टाटा एलेक्स है यहाँ पर मजबूती है, और TCS हरे निशान में। जो लूजर्स हैं इसमें विप्रो है, HCL टेक है और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये निफ्टी IT इंडेक्स इसके लूजर्स हैं। अब देख लेते हैं मिड कैप को। निफ्टी के जो मिड कैप गेनर्स हैं इसमें IGL है जो कि 2% ऊपर है, एलेम्बिक फार्मा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, L&T फाइनेंस, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती है। साथ ही DCB बैंक पर अच्छी बाइंग है और IRB इंफ्रा करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। नुकसान वाले स्टॉक्स को देख लेते हैं। नुकसान वाले स्टॉक्स में वोल्टाज है रिजल्ट्स के बाद 3% नीचे, कैंसाई नेरोलैक ये करीब 0.25% नीचे है, और साथ ही SRF, डिश TV, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर नुकसान है। TVS मोटर्स, वोकहार्ट, MRF, ये और काउंटर्स जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। कल सबसे ज़्यादा पिटाई क्लोजिंग में हुई थी टबैको स्टॉक्स की। कैबिनेट विचार कर रही है कि FDI पर प्रतिबंध टबैको सेक्टर में लगाया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोजल भेजा है। उसके बाद ITC करीब 1/4% नीचे, लेकिन GTC आज हल्की सी खरीदारी देखते हुए करीब 1% ऊपर है। VST पर मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन पेन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो गॉडफ्रे फिलिप्स पर। कल 20% नीचे था, आज करीब 6% नीचे शुरुआती दौर में गॉडफ्रे फिलिप्स का काउंटर इस समय देखने को मिल रहा है। एंड लेट्स टेक अ लुक एट ब्रॉडर मार्केट्स। हालांकि शुरुआती है, इसको थोड़ा और टाइम दे देंगे, लेकिन एडवांसेस 677 के आसपास, नुकसान वाले स्टॉक्स की संख्या 370 के आसपास। BSE पर देखें तो बढ़ने वाले काउंटर्स की संख्या 543 और जो डिक्लाइंस है वो 333। लेकिन प्रॉब्लम जो है डिम्पी इस मार्केट में वो है एक्शन की कमी, और उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम की कमी। बिल्कुल, और ये क्लियरली देखने को मिल रहा है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे उसको पनिशमेंट दे रहा है मार्केट, लेकिन ईएल्स में जो बोर्ड बैठक आई उसका फायदा मिला, 2% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पे है। ऑटो एंसिलरी में आज तेजी, इनफैक्ट ये कल तेजी बनना शुरू हो गया था धीरे धीरे, आज इनमें वापस बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ एक ऑटो एंसिलरीज आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे मजबूती बनती हुई दिखी है। इसके अलावा आप जो शेयर्स देखेंगे उसमें आपको ये क्लियरली दिखेगा कि जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, मार्केट भले वॉल्यूम कम के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट उसको दे रहा है। टाटा ग्रुप के शेयर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, ज़्यादातर शेयर इस समय हरे निशान में आपको देखेंगे, लेकिन क्वांटम के हिसाब से 0.5% के आसपास ही आके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम और परसेंटेज इन राइज तो वो बहुत कम है। ठीक है, आपको हरे निशान में शेयर ज़रूर आकर दिख रहे हैं। कुछ एक और शेयर आप देखें, PT लेमिनेशन, जिन्होंने कुछ एक शेयर जो प्लेज पड़े थे उनको छुड़वाया, उसका बेनिफिट है, ये शेयर ऊपर आके आज काम कर रहा है। नितिन फायर्स के अंदर हमने देखा कि जो खबर आई थी इनकी ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से लगातार 2 से 3 दिन ये अभी भी तेज़ है, और आज भी 3.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। पेपर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है। बिल्ट आप एक देखेंगे, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्टो सर्किट्स के अंदर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट हैं जो कि पहले ट्रेड्स के फैंसी हुआ करते थे, अभी भी इनमें बढ़त है लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा बिटन डाउन हो चुके हैं, और दूसरा इनमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अब जो है क्लियरली कम देखने को मिल रही है। धर्मेश हमारे साथ बने हुए। धर्मेश, अब मार्केट में वैल्यूएशन को लेकर तो भारतीय स्टॉक मार्केट को लेकर पहले भी कोई चिंता नहीं थी, अब तो खैर एक्सट्रीम चीप हो चुके हैं। अभी भी जहां पे कंसर्न वो लिक्विडिटी है और FIs का इनफ्लो थोड़ा सा रुक गया है। एक बार अगर सेगमेंट टू सेगमेंट हमको बाय करना चाहिए या करें भी तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में क्या बाय करें, क्योंकि बाजार पूरा टूटा है, सबसे पहले किसको पिक करना शुरू करें? देखिए, सबसे पहले आई थिंक बैंकिंग स्पेस को पिक करना चाहिए, डेट टू पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसका रीज़न ये है कि कासा बेस बढ़ा, इसलिए मैं बाई करने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बाई इसलिए करने बोल रहा हूँ बिकॉज मेटल प्राइसेस, जैसा मैंने पहले कहा कि वहाँ पर एक फर्मनेस आई है, तो वहाँ पर मुझे लगता है आने वाले दिनों में NPA का काफ़ी बड़ा इन पर रिलीफ मिलेगा। और इस बार जो स्लिपेजेस थे, चाहे SBI के नंबर देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर देखें, तो वहाँ पर कंटेनमेंट लगा था। सो आई थिंक गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा हो सकता है बफर क्रिएट हो डीमोनेटाइजेशन से, जो कि वो फिर इंफ्रास्पेंडिंग में यूज़ होगा, टैक्सेशन रिलीफ में वो आना चाहिए टू गिव अ बूस्ट टू द कंजम्पशन। सो लॉन्ग टर्म में थिंग्स आर पॉजिटिव, और उसके लिए बैंकिंग अभी भी काफ़ी चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है। एक बार अगर आप अर्निंग्स बढ़ाना चालू करें, अर्निंग्स रेटिंग होनी चाहिए द मोमेंट आपको NPA रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ फर्स्ट पिक। सेकेंड पिक वुड बी मेटल काउंटर्स, अगेन JSW स्टील, हिंडालको, वहाँ पर टॉप पिक रहेगा।
और थर्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स। हालांकि फार्मा को लेके कंसर्न्स है, अभी भी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट नहीं आया है कार्टिलेशन को लेके यूएस में, सो वो एक बड़ा ओवरहैंग रहेगा, बट इसमें इस गिरावट में वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एंटायर कंजम्पशन स्पेस को होल्ड करना चाहिए, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी ये समय राइट है। वैल्यूएशंस अभी मतलब अर्निंग्स के हिसाब से तो अच्छे लग रहे हैं, बट आने वाले जो दो क्वार्टर के अर्निंग्स हैं वहाँ पर काफ़ी बड़ा डेंट देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने अर्निंग्स रीरेटिंग को भी रोक रखा है, वी विल सी हाउ द क्वार्टर पैंस आउट, उसके बाद FY17 एंड FY18 के अर्निंग्स को रीवर्क करेंगे। और जैसा कि उम्मीद था कि सेकेंड हाफ ऑफ FY17 में अर्निंग्स ग्रोथ पिकअप होनी चाहिए, जो कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में दिख भी रहा था, बट अब ये जो नया माहौल बना है इसमें मुझे लगता है दिस विल बी पुश टू FY18 सेकेंड हाफ।